फेसबुक प्रोफाइल को वेरीफाई टिक मार्क करोगे, वो भी ऐसे ब्लू टिक से। और उसके साथ आज के इस वीडियो पे ये भी जानेंगे कैसे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को अपडेट दिया था कि फेसबुक ने अब ब्लू टिक मार्क जो है वो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सबके लिए लेके आया है, तो आप लोगों का एज यूजुअल क्वेश्चन आया है, बेटा हम तो ये समझ गए कि आप ब्लू टिक सबको मिलेगा, हर घर में होगा, मगर इसको कैसे हमें मिलेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, इंडिया में बैठ के कैसे अप्लाई करेंगे, तो सारे चीज आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। और एक्सक्लूसिव क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है वेरीफाई सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने में, वो भी आज के इस वीडियो पे मैं डिस्क्लोज करके रखूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोड्यूसिंग मेटा वेरीफाई, ये जो वेरीफाइड ऑप्शन है फेसबुक ने अब इसको मेटा वेरीफाइड नाम दिया है, और ये दिया ही इसलिए है क्योंकि मेटा के अंडर में ही फेसबुक प्रोडक्ट आता है, मेटा के अंडर में ही इंस्टाग्राम एज ए प्रोडक्ट आता है, और दोनों ही प्रोडक्ट को आप लोग अब ब्लू टिक यानी कि ऐसे टिक मार्क से वेरीफाइड कर सकते हो, जिससे कि आप नोटेबल लगोगे, जिससे कि आपका ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाएगा, और इसके वजह से आपके प्रोफाइल का रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो वो सब आपको कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इंडिया में अभी तक तो वेरीफाइड का जो सब्सक्रिप्शन है वो अवेलेबल नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कैसे इस वेरिफिकेशन के लिए अर्ली एक्सेस मिलेगा वो ही आज के इस वीडियो पे डिस्क्लोज करूंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूं, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ये फेसबुक ने जैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस को लॉन्च किया है उसके बाद ये वेबसाइट को डेवलप किया गया, यानी कि इस यूआरएल के थ्रू आप भी इस वाला पार्ट पे यानी कि इस वाला वेबसाइट के इसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, और इसी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप भी अर्ली एक्सेस ले लो फेसबुक अकाउंट को या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई कर लो। तो इसके लिए आपको सिंपली से नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम मेटा वेरीफाइड और बोला गया है गेट स्टार्टेड द वेरिफिकेशन प्रोसेस, आपको बोला ये जा रहा है आपको गेट स्टार्टेड करने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है एक्टिव योर मेटा वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन फॉर, यहां से एक और क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट दिया था तब वहां पे मैंने कहा था कि आईओएस के लिए अलग से पेमेंट है और वेब के लिए अलग से पेमेंट है, ये कैसे पॉसिबल होगा, तो इसको अब सिंप्लीफाइड किया गया है। आप देख सकते हो अगर आप लोग आईओएस डिवाइस या फिर एंड्रॉयड, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्लिक देके डाल के रखा है आईओएस यानी कि एप्पल के डिवाइस, एंड्रॉयड यानी कि गूगल आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्ले स्टोर यूज करोगे, वो प्रोडक्ट वो जहां पे भी अगर एंड्रॉयड डिवाइस को यूज करते हो या फिर आईओएस को यूज करके आप वेरीफाइड रहना चाहते हो, वेरीफाइड अकाउंट को यूज करना चाहते हो, तो आपको मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इस अमाउंट पे, यहाँ पे करीब करीब $15 का आपको खर्चा आएगा। और अगर आपको एंड्रॉयड और आईओएस पे ओपन नहीं करना है, सिर्फ वेब से आप ओपन करोगे और फेसबुक ऑनली यूज करोगे, इंस्टाग्राम का बात नहीं करूंगा, तो आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो करीब करीब $12, क्योंकि 11.99 है, तो इसको अगर राउंड फिगर करते हैं तो $12 का आपको खर्चा आएगा, मगर वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ऑनली होगा, इंस्टाग्राम यहाँ पे ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज करेंटली अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर 18 इयर्स और ओल्ड, तो 18 इयर्स होना चाहिए आपका उम्र या फिर इससे ज्यादा ओल्ड होना चाहिए, आप अगर 18 इयर्स से कम हो तो फिर आप इलिजिबल नहीं हो वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे आपका कोई गार्डियन पेरेंट का वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ऑथेंटिसिटी नहीं होगा, आप आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे सकते हो, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट आईडी चाहिए होगा क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो यहाँ पे आप अगर 18 से कम के उम्र के हो तो वेट करना पड़ेगा 18 साल होने तक, और यहाँ पे बोला गया है ये जो अभी प्रोसेस है ये नॉट येट अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस फॉर बिजनेसेस, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं हुआ है, और जो बिजनेसेस होते हैं यानी कि पेज होते हैं, ब्रांड होते हैं, वो सारे लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पे अभी अवेलेबल नहीं है, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल आईडी के लिए अवेलेबल है, और उसके साथ इंस्टाग्राम आईडी के लिए आपका अवेलेबल है, पेजों के लिए अवेलेबल नहीं है। पेज ब्रांड अगर होगा, उसका टॉक होगा, वो ऑथेंटिक होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो फिर आप दूसरे तरीके से ही वेरीफाइड कर सकते हो, जो कि पहले के तरीके हुआ करता था, मगर
यहाँ पे जो आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मिलेगा वो मिलेगा आपके प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल, अगर मोड पे प्रोफाइल को चेंज किए हो वहां पे और इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको अगर अर्ली एक्सेस चाहिए, क्योंकि भारत पे तो अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कहना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इन लोगों ने अभी इसको ओपन किया है, आप कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में, मगर भारत में क्या, या फिर आप दूसरे मुल्क से हो वहां पे क्या, वहां पे हमें सबसे पहले अगर एक्सेस चाहिए, वहां पे अगर आपको सबसे पहले वेरीफाइड करना है, तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है ज्वाइन द वेट लिस्ट टू गेट नोटिफाइड व्हेन मेटा वेरीफाइड इज अवेलेबल इन योर रीजन, यानी कि आपके कंट्री में जब भी वेरीफाइड ऑप्शन आएगा सबसे अर्ली अगर एक्सेस आपको चाहिए तो आप वेट लिस्ट को ज्वाइन कर। तो इसके लिए आपको सिंपली से थोड़ा सा नीचे जाना है इसी वेबसाइट के अंदर, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाना इस वेबसाइट। यहाँ पे आने के बाद आपका अकाउंट यानी कि फेसबुक आपके ब्राउजर पे ओपन रहना है, तभी ये लिंक काम करेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, याद रखना यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इंस्टाग्राम के लिए वेरीफाई चाहते हो सिर्फ तो इंस्टाग्राम चूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो नहीं मैं फेसबुक के लिए चाहता हूँ सिर्फ तो फेसबुक चूज कर सकते हो, और जो लास्ट में होगा ऑप्शन वो दोनों के लिए होगा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो फॉर बोथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर दोनों करना है तो लास्ट वाला चूज कर लेना, ठीक है, या फिर अगर फेसबुक चाहते हो तो फिर फेसबुक चूज कर लेना। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है जिस नाम से आप वेरीफाइड करना चाहते हो, आपका लास्ट नेम देना है जिस नाम से आप वेरीफाइड करना चाहते हो, यहाँ पे आपका ऑथेंटिक ईमेल आईडी होना चाहिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कंट्री सिलेक्ट करना है जो भी कंट्री से आप हो, ठीक है, वो कंट्री आपको सिलेक्ट कर देना है कि कौन सा कंट्री में अर्ली एक्सेस आपको चाहिए, यानी कि आप जिस कंट्री से भी प्रोफाइल को बनाए हो वही कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको क्लिक करके आपको ये सबमिट कर देना है। तो ये अगर प्रोसेस आपने कर लिया तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जैसे ही भारत में मिल आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफाई कर देगा फेसबुक और तुरंत आप लोग वेरीफाई कर सकते हो आपके आईडी। अब इंस्टाग्राम पे भी सेम ही प्रोसेस है ऑलमोस्ट, मगर इंस्टाग्राम के लिए अलग से आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा अर्ली एक्सेस के लिए, यहाँ पे ही आप इंस्टाग्राम के लिए भी मेंशन कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि इंस्टाग्राम को वेरीफाई करना है, अगर दोनों को वेरीफाई करना है तो ये लास्ट वाला सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ही सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टेप क्या होगा, कैसे वेरीफाई होगा, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ओपन करना है इंस्टाग्राम को मोबाइल ऐप पे, यानी कि वेरीफाई अगर करना है तो मोबाइल ऐप की जरूरत होगा, आप डेस्कटॉप वर्जन पे या डेस्कटॉप पे ओपन करके वेरीफाइड नहीं कर सकते हो इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम मोबाइल ऐप को ओपन करना है, फिर टैप करना है प्रोफाइल वाला लोगो जो नीचे रहता है राइट हैंड साइड पे वहां पे, और योर प्रोफाइल पिक्चर या फिर आपके जो प्रोफाइल पिक्चर रहते हैं इंस्टाग्राम पे उस पर टैप करो, बॉटम राइट टू गो टू योर प्रोफाइल, तो आपके प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। यू मे सी द ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू मेटा वेरीफाइड एट टॉप, तो आपको टॉप पे ही सब्सक्राइब टू मेटा वेरीफाइड ये मिल जाएगा ऑप्शन, तो वहां पे सब्सक्राइब पे आप टैप कर दो, सब्सक्राइब पे टैप कर दोगे तो बाकी का प्रोसेस वही रहेगा। अगर एलिजिबल हुए तो आपको गवर्नमेंट आईडी वहां पे डालना पड़ेगा आपके नाम का, वो अगर आपने अपलोड कर दिया तो फिर आपको पैसा पे करना है, हो जाएगा मंथली बेसिस पे है तो आपको पैसा हर महीने पे करते रहना है। अब मैं लास्ट में जो बोला था कि ई करोगे तो इसका क्या बेनिफिट होगा, वेरीफाई तो हम कर लेंगे, चलो प्रोसेस भी पता चल चुका है कैसे करना है 2023 पे, अभी या अभी अवेलेबल नहीं है सारे रीजन पे, तो अर्ली एक्सेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बता दिया, पर इसका बेनिफिट क्या है, क्या बेनिफिट आपको बेसिकली मिल सकता है, यहाँ पे तीन चार बेनिफिट मेनली आपको मिलेगा। पहला बेनिफिट जो है, भीड़ में अलग दिखोगे क्योंकि आपके नाम से आप ही वेरीफाइड होंगे, नोटेबल दिखोगे। दूसरा, आप जब भी किसी भी पोस्ट पे कमेंट करोगे दूसरे का तो आपका कमेंट हाईलाइटेड होगा सबसे ऊपर, जो नॉन वेरीफाइड कमेंट्स होंगे वो नीचे होंगे, आपका टॉप पे होगा तो विजिबिलिटी इंक्रीज होगा, ऑथेंटिसिटी ज्यादा रहेगा, और सबसे ज्यादा जो मेन बेनिफिट है वो है आपको एक पर्सनल कॉन्टैक्ट मिलेगा फेसबुक का, जिससे आप लोग फेसबुक सपोर्ट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाओगे अगर आपके अकाउंट पे कोई भी इशू हो, मे बी हैकिंग, मे बी और भी कोई मसला हो सकता है, होगा तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर पाओगे, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फेसबुक सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत टफ है। तो यही कुल मिला के बेनिफिट्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो आबाद रहो और मैं तो बोल रहा हूं दोस्तों बाय।